अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है बच्चों। और आज बात करते हैं जुनून के बारे में। यदि हमारा किसी भी चीज़ को लेकर उसके प्रति एक जुनून है, उसको प्राप्त करने के बाद लिए हमारे दिमाग में हमारे मन में एक जुनून है, तो वो हमें अवश्य हासिल हो जाती है। इसके उदाहरण स्वरूप मैं तुम्हें बताता हूँ सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के एक युवा के बारे में, जिसने ये चाहा था कि वो गूगल में उसका सिलेक्शन हो। और उसने, तुम्हें आश्चर्य होगा कि उसने एक दो बार नहीं, पूरे 39 बार प्रयास किया, तब कहीं जाकर उसका 40वें बार में गूगल में सिलेक्शन हुआ। उसके अंदर एक जिद थी, एक जुनून था। उसने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस इस बात का पैदा किया कि मुझे इसी, यही मेरी मनचाही एक चीज़ है कि मैं गूगल में नौकरी करूं। और अंततः उसने उसको हासिल किया। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ डेडिकेशन, यदि आपका किसी भी चीज़ के प्रति एक डेडिकेशन है, एक निष्ठा है, तो अंततः आप उसको हासिल कर लेते हैं। बच्चों, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी तुम किसी परीक्षा में बैठते होगे, प्रयास करते होगे, असफल हो जाते होगे, तो दूसरी बार बैठते होगे, लेकिन दूसरी बार भी असफल होने पर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में एक निराशा, एक अवसाद पैदा हो जाता होगा। लेकिन तुम्हें इस व्यक्ति से, जो कहानी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची बात है, इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक युवा जिसका नाम है टाइलर कोहेन, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं गूगल में नौकरी करूँ। उसने पहली बार अप्लाई किया, उसका इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू हुआ, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने फिर दूसरी बार प्रयास किया, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी बार प्रयास किया। हर बार वो यही कोशिश करता था कि जो कमी मेरे अंदर रह गई है, वो मैं उसको कैसे, उसकी पूर्ति करूँ। और वो लगातार प्रयास करता रहा, करते 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 39 बार वो असफल हुआ, लेकिन अंततः 40वें बार में उसे सफलता हासिल हुई और गूगल से उसको सिलेक्शन का लेटर मिला। उससे उसकी खुशी का पारावार न रहा, क्योंकि जिस चीज़ को वो पाना चाहता था, अंततः उसने उसको हासिल कर लिया। और उसने इसको फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया, सोशल मीडिया पे सब लोगों को अपनी कहानी बताई, जिससे लोग उससे प्रेरणा ले सके। उसने कहा, कोहेन ने कहा कि मेरे अंदर एक जिद थी या जुनून था, इसके बीच में एक बारीक लाइन है, और मैं अभी ये समझ नहीं पाया हूँ कि मेरी जिद थी ये कि मैं गूगल पर नौकरी करूँ, या मेरा जुनून था। लेकिन जो भी रहा हो, उसके उसके अंदर एक आत्मविश्वास, आंतरिक अंतः, उसके अंतःकरण में एक आत्मविश्वास था कि मुझे ये नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। और उसके लिए उसने निष्ठा से पूरे प्रयास किया, पूरे डेडिकेशन से वो उसमें लगा रहा। जो भी चीज़ें नई सीखनी होती थी उसके लिए, गूगल में जाने के लिए, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए, वो लगातार उसकी तैयारी करता रहा, और अंततः उसने उसको हासिल किया। तुम्हें भी इसी लगन और निष्ठा के साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है और सेलेक्ट होना है।